तेज प्रताप छोड़िए, तो बच्चा है, उसकी बातों का जवाब देना जो, लेकिन जगता बाबू एक सीनियर व्यक्ति हैं, वो अगर इस प्रकार की बात करते हैं तो यही जगता बाबू जिन्होंने कहा था कि राम जन्मभूमि का मंदिर नफरत की भूमि पर बन रहा, तो इतना गैर जिम्मेवाराना बयान है। तो मैं सरकार से ये आग्रह करूँगा कि इस तरह की गलती मत कीजिए, नहीं तो ये पूरी घटना विस्फोट धारण कर सकती है, विस्फोट का रूप ले सकती है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए इस तरह के ऊटपटांग बयान देने वालों को मना कीजिए, रुकिए। नमस्कार, मैं श्वेता, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। हमारी संवाददाता वंदना सुशील कुमार मोदी के पास पहुंची और उनसे तेज प्रताप यादव को लेकर सवाल किया। उन्होंने ये सवाल किया कि तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर बाबा को लेकर एक बयान दिया था। बागेश्वर बाबा को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा था कि अगर वो सभा को संबोधित करेंगे, मंच पर कुछ अनाप शनाप बोलेंगे तो उन्हें वहां से हम उछवा लेंगे। जिसको लेकर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आपको अगर उनकी सभा को नहीं सुनना है, उनकी बातों को नहीं सुनना है तो मत सुनिए, लेकिन किसी का इस तरीके से अनादर नहीं कीजिए। क्या कुछ सुशील कुमार मोदी बागेश्वर बाबा को लेकर बोल रहे हैं, हम आपको छोड़े जाते हैं उन तमाम बातों के साथ। एक अंतिम सवाल है सर, बागेश्वर बाबा को लेकर के क्या आपकी राय है? तेज प्रताप यादव, जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी ने जो बयान दिया। नहीं, देखिए, किसी को भी अपनी बात कहने का अधिकार है, और इसलिए अगर बाबा बागेश्वर धाम आ रहे हैं पटना तो उनका स्वागत करना चाहिए। आप मत जाइए सुनने के लिए, कौन कोई बाध्य तो नहीं कर रहा है, लेकिन आप किसी को भी कह रहे हैं कि जगता बाबू कह रहे हैं कि जेल जाना चाहिए, तो जगता बाबू क्या कानून ये कहता है कि कोई प्रवचन कर रहे हैं उसको पकड़ के जेल में बंद कर दें? अभी तो उनका प्रवचन हुआ ही नहीं। अरे तेज प्रताप छोड़िए, तो बच्चा है, उसकी बातों का जवाब देना जो, लेकिन जगता बाबू एक सीनियर व्यक्ति हैं, वो अगर इस प्रकार की बात करते हैं तो यही जगता बाबू जिन्होंने कहा था कि राम जन्मभूमि का मंदिर नफरत की भूमि पर बन रहा, तो इतना गैर जिम्मेवाराना बयान है। तो मैं सरकार से ये आग्रह करूँगा कि इस तरह की गलती मत कीजिए, नहीं तो ये पूरी घटना विस्फोट धारण कर सकती है, विस्फोट का रूप ले सकती है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए इस तरह के ऊट पटांग बयान देने वालों को मना कीजिए, रुकिए। बहुत बहुत शुक्रिया, इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ, धन्यवाद। तो उनका स्वागत करना चाहिए, आप मत जाइए सुनने के लिए, कौन कोई बाध्य तो नहीं कर रहा है, लेकिन आप किसी को भी कह रहे हैं कि जगता बाबू कह रहे हैं कि जेल जाना चाहिए, तो जगता बाबू क्या कानून ये कहता है कि कोई प्रवचन कर रहे हैं उसको पकड़ के जेल में बंद कर दें? अभी तो उनका प्रवचन हुआ ही नहीं। अरे तेज प्रताप छोड़िए, तो बच्चा है, उसकी बातों का जवाब देना जो, लेकिन जगता बाबू एक सीनियर व्यक्ति हैं, वो अगर इस प्रकार की बात करते हैं तो यही जगता बाबू जिन्होंने कहा था कि राम जन्मभूमि का मंदिर नफरत की भूमि पर बन रहा, तो इतना गैर जिम्मेवाराना बयान है। तो मैं सरकार से ये आग्रह करूँगा कि इस तरह की गलती मत कीजिए, नहीं तो ये पूरी घटना विस्फोट धारण कर सकती है, विस्फोट का रूप ले सकती है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए इस तरह के ऊट पटांग बयान देने वालों को मना कीजिए, रुकिए। बहुत बहुत शुक्रिया, इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ, धन्यवाद।